हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो इंडिया नील, कुवैत नील, इट एंड्स इन अ ड्रॉ इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। ऑलमोस्ट वी आर आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड टू एंड इट्स एंड भाई, इट्स द एंड, इट्स ऑफिशियली द एंड। जी हाँ, जिस दिन का हमें इंतजार नहीं था, जिस दिन हम नहीं चाहते थे कि ये दिन आए, साला वो दिन आ चुका है। 6 जून 2024, इट्स द एंड भाई। ये दिन हम लोग सब याद रखेंगे जहां पर एक लेजेंड, जी हाँ दोस्तों, एक कैप्टन लीडर लेजेंड, वो रिटायर हो गए हैं बाय गिविंग हिज ब्यूटीफुल 19 इयर्स। जी हाँ, एक 19 साल का करियर, यस, इंडिया में 19 साल का करियर इंडियन फुटबॉल को उन्होंने दिया है। एक ऐसा बंदा जिसने अपना सब कुछ एक इंडियन फुटबॉल, जी हाँ, एक ऐसा फुटबॉल, एक ऐसी कंट्री जहां पर फुटबॉल पे कोई सब फुटबॉल पे सब करप्शन सब चालू रहता है, बट ही स्टिल गेव हिज 19 ईयर्स ऑफ हिज सैक्रीफाइसेस। बंदा सुबह उठ के डाइट करता था, ट्रेनिंग करता था, सब कुछ करता था, लाइक जो एक बंदा कर सकता है अपने कंट्री के लिए टू गेट दैट ड्रीम अलाइव या टू गेट दैट ड्रीम कम ट्रू। बंदे ने सब कुछ किया, बट इन द एंड इट डिडंट मैटर, इट डिडंट रियली मैटर। लाइक जो सपना था राउंड 3 में क्वालिफाई होने का, इट रियली डिडंट मैटर। क्यों? क्योंकि उसके टीममेट्स, उसके कोच कुछ नहीं कर पाए, उसके कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज एक ऐसा बंदा था जो 19 साल के लिए सब कुछ उन्होंने दे दिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन जब भी मैटर था, जब भी उनका लास्ट मैच था, जब भी जिसको सभी लोग को स्टेप अप होना था, उसके लिए खेलना था, उसको एक अच्छा फेयरवेल देना था, बट कोई कुछ नहीं कर पाए। एक सिंपल सादा फेयरवेल देने बोला था उसके कोच से, उसके टीममेट से, बट टीममेट्स नाकामयाब रहे। कोई ऐसे टीममेट्स थे जैसे लग रहा था कि उसको खेलना ही नहीं है, कोई ऐसे टीममेट्स थे जिन्होंने जान दे दी, बट वो अकेले कुछ नहीं कर पाए। और कोच का तो आप सबको पता है मैं क्या बोलूं। यस भाई, सुनील शेट्टी सर ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन फुटबॉल टीम। कल जो आपने देखा वो आपके लास्ट 90 मिनट्स थे ऑफ वॉचिंग सुनील शेट्टी सर इन इंडियन कलर। जी हाँ दोस्तों, इट्स ऑफिशियली द एंड। लाइक ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट द मैच, बट अगर आप बात करोगे ना, जैसे कि मैंने बोला था, लाइक पूरे 90 मिनट्स इट वॉज नॉट फीलिंग लाइक दैट, बट जब भी 90 मिनट्स खत्म हुए तभी मालूम पड़ गया कि एक अच्छा फेयरवेल नहीं मिलने वाला है। सुनील शेट्टी सर को देख के इतना रोने आया ना, लाइक ऑब्वियसली मैं रोया नहीं, बट आई कंट्रोल माई इमोशंस, लाइक एवरी वन क्राइड। अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो यू हैड क्राइड, फैंस सब रो रहे थे। क्यों? क्योंकि पता था कि एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर सबकी निगाह टिका थी, सबके ऊपर होप्स थे कि साला 90 मिनट्स भी हो जाना भाई, अगर ये पिच पे है, ये पिच पे खड़ा है इंडिया के लिए, ही कैन स्कोर अ गोल, ही कैन गेट वन पॉइंट, ही कैन गेट दैट फ्रीकिंग 3 पॉइंट्स, बट इट्स ऑल ओवर। यस, इंडिया नील, कुवैत नील, एंड या इट्स ऑल एंड इन द ड्रॉ। और अगर आप देखोगे दिमाग से, रियलिटी में सोचोगे तो वी आर आउट। मैच की अगर बात करके, लाइनअप में यस थापा थे एंड सर्ल वॉज देयर इंस्टेड ऑफ ब्रेंडन। आई डोंट नो क्या कर रहे थे सर्ल और ब्रेंडन, बट फर्स्ट हाफ में अगर आप बात करोगे, राइट फ्रॉम द मिनट गो, आप जब भी एक्सपेक्ट करते हो एक अवे टीम, ठीक है, एक अवे टीम खेलती है, अवे टीम दूसरे के होम ग्राउंड पे खेलती है, तो आप क्या देखते हो कि अवे टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, बट यहां पर उल्टा था। पहले 15 से 20 मिनट तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया अवे टीम है, बिकॉज आई डोंट नो इन्होंने 4 हफ्ते के कैंप में क्या किया था, मुझे सच में नहीं पता। बिकॉज कल के पूरे मैच में देर वॉज नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देर वॉज नो केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स। बंदे लोग को पता नहीं है कि ये वहां भागेगा या वहां भागेगा, मिस पास इतने सारे, बॉल पोजिशन लॉस्ट इतने सारे, लाइक मुझे सच में नहीं पता कि इन्होंने 4 हफ्ते के कैंप में क्या किया। लाइक इन्होंने डिमांड किया 4 हफ्ते का कैंप चाहिए, हमने दे भी दिया 4 हफ्ते का कैंप, बट इन्होंने क्या किया, लाइक 0% कामनेस, 0 composure ऑफ द बॉल, पासे सही से ठीक नहीं कर पा रहे, लाइक 2 या 3 पास हो गए उसका ढेर, उसका बॉल पोजीशन लूज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड कुवैत, अगर बात करें कुवैत ने जो खेला है भाई, कुवैत फ्रॉम द मिनट गो वो सो काम ऑन द बॉल, सो कंपोजर थे। अगर आप बात करोगे कि जो उनके जो बिल्डअप्स हो गए, उनके जो लिंकअप्स हो गए, लाइक वी बींग ट्रेन फॉर 4 कैंप्स, हम ऐसे करने चाहते भाई बिल्डअप, हम ऐसे बिल्डअप करने चाहते, बट ऑन द अदर हम क्या करते हैं कि भाई काउंटर पे लाइक कोई वहां से भाग रहा तो मैं लॉन्ग बॉल डाल दूंगा, मैं थ्रू बॉल डाल दूंगा एंड दैट्स इट भाई, भागो कुत्ते की तरह भागो। चांगटे अकेला है, कुत्ते की तरह भाग रहा है, ही इज गिविंग इट एवरीवन, बट क्या करे, उसको 2 बंदे आके छप्पड़ लेते हैं एंड चांगटे इज नो वे। वहां से जय गुप्ता क्रॉस डाल रहा है, बट कोई नहीं, ऑब्वियसली कुवैत डिफेंड कर रहा है। तो लाइक ऐसा था कि एक बंदा कुत्ते की तरह भाग रहा है, ही इज डूइंग एवरीथिंग, बट कोई है नहीं, नो वन वॉज देयर। और सच बता रहा हूँ, ये जो मैच है ना भाई, वी डिडंट रियली डिजर्व टू विन,
वी रियली डिडंट डिजर्व टू विन। और अगर आप बात करेंगे वो टॉप स्प्रिंट्स होते हैं, टॉप स्प्रिंट्स, 40 साल का बुड्ढा, 40 साल का सो कॉल्ड बुड्ढा, जो आप लोग बोलते हो ना कि बुड्ढा क्या कर रहा है, बुड्ढा क्या कर रहा है, 40 साल का बुड्ढा टॉप स्प्रिंट्स के चार्ट पे फर्स्ट था, चार्ट के फर्स्ट था। बंदे ने क्या किया, फर्स्ट हाफ में ही वाज प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है, एक दो लिंकअप उसने बनाने की कोशिश की, बट थापा मिसपास कर रहा है, लिस्टर मिसपास कर रहा है। और भाई ये आईएसएल नहीं है, ये समझना पड़ेगा, जब भी आपको बॉल मिलता है तो आपका जो ओपोनेंट है आपको देखेगा नहीं, लाइक रुक के देखेगा, चलो ठीक है इसको करने दो, बॉल के साथ कुछ करने दो, नहीं भाई आपके ऊपर झपटेगा, वो आपके ऊपर चढ़ेगा। ये आईएसएल नहीं है जहां पर आप बॉल रोगे, देखोगे अच्छा इधर दो, नहीं यार इधर नहीं, उधर देता हूं मैं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी क्विक, आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक होनी चाहिए, बट आप वो करते नहीं हो। आप बॉल रिसीव करते हो, थोड़ा टाइम लेते हो, और जब तक आप टाइम ले लेते हो, जब तक आप पास करने का सोचते हो, आप पास कर देते हो, बट आपको ओपोनेंट को नहीं मिलता। दैट वॉज इट भाई, दैट वॉज इट। कुवैत वॉज सो गुड ऑन द अटैक फर्स्ट हाफ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऑब्वियसली वी क्रिएटेड चांसेस। अनवर अली के दो हेडर थे, उसमें से ए पहला वाला हेडर वो गोल हो सकता था, बट वी कांट रियली ब्लेम बिकॉज उसने एफर्ट डाले थे। जय गुप्ता का वन टाइम क्रॉस, बट इट वॉज डिफेंडेड बाय कुवैत। लेकिन अगर आप बात करोगे एकदम वेल क्रिएटेड चांसेस वॉज विथ वॉट इज कुवैत, बिकॉज कुवैत के पास चार ऐसे चांसेस है, चार या पांच चांसेस तो पकड़ ही लो, जहां पर लिटरली द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल हैड सेव्ड अवर एसेस। जी हाँ दोस्तों, ही हैड सेव्ड अवर एसेस, ही हैड सेव्ड इगोर स्टिमाच एसेस, बिकॉज जो खतरनाक सेव दिखाए थे, जो खतरनाक सेव उसने किए हैं, लाइक अगर वो नहीं रहता, आई एम बेटिंग, आई एम गिविंग यू अश्योरेंस भाई, दो गोल तो खा लेते फर्स्ट हाफ में, हम दो गोल खा लेते बिकॉज उनका नंबर 9 हो गया, उनका नंबर 10 हो गया, राहुल बेके को कुक करा रहा है, बेके भाव को कुक कर दिया, पूरा पका दिया उसको, पूरा पका दिया। और निखिल भाई, निखिल सॉरी, निखिल छोड़ छोड़ दा भाई, अब मेरे में वो सहन शक्ति नहीं है, जहां पर मैं तुझे बैक कर सकूं, प्लीज भाई अब निखिल फ्यूचरी से कुछ नहीं हो रहा, निखिल को निकालो, ब्रिंग इन आशीष राय, ब्रिंग इन अमर रानावट, जो भी यंग बंदा है डालो उसको, बट निखिल पुजारी भाई आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब आपके क्लब के लिए खेलिए, बट कंट्री के लिए तो आप नहीं खेल पाएंगे, सच बता रहा हूं, कंट्री के लिए तो आप नहीं खेल पाओगे। ऑन द अदर हैंड अनवर एज ऑलवेज रियली रियली गुड। अनवर का एक वो जो टैकल था वो पेनल्टी हो सकता था, वो तो अच्छी बात है कि भाई रेफरी की भली थी भाई, रेफरी का भरोसा था, या तो रेफरी की मेहरबानी थी कि जब हमने को पेनल्टी कंसीड नहीं किया, दैट वाज अ पेनल्टी, वो पेनल्टी था, कुवैत को पेनल्टी मिलना चाहिए था। कोई लोग बोले कि कुवैत रॉब, क्या आई एग्री कुवैत वॉज रॉब। लेकिन उसके बाद अगर बात करें जय गुप्ता बींग, ये देख लो कि डेब्यू है, बंदे का डेब्यू है इन फ्रंट ऑफ 60,000 फैंस, वो प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ योर करियर मे बी, तो बंदे को उस हिसाब से देखे कि बंदा वॉज रियली रियली गुड, बंदा बहुत खतरनाक था एज अ डेब्यू, इट वॉज इंप्रेसिव डेब्यू। और अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इंडिया का, अनवर अली, जय गुप्ता वेरी गुड ऑन द बॉल, बॉल पे बहुत अच्छे है, बॉल पे कॉन्फिडेंट है। ऑन द अदर हैंड कचरा टीम, राहुल बेके गंदा, निखिल पुजारी और भी गंदा, ठीक है समझ रहे हो, मिडफील्ड में थापा है, ये थापा, ये लिस्टन भाई, इनको तो मैं बोलता हूं आप जाके खेलो मोहन बगान, यहां पर आपका कुछ काम नहीं है, कुछ होने नहीं वाला दोस्तों। थापा भाई इतना मिस पास कर रहा था, और अगर फर्स्ट हाफ में देखोगे सुरेश अकेला पड़ा था, लेकिन एक जगह पे आप देखोगे थापा उधर है, सुरेश उधर है, मिडफील्ड फुल खारी। कुवैत के अटैकिंग जो प्लेयर्स थे मजे में घूम रहे थे, मजे में अटैक कर रहे थे, दे वर रियली डूइंग एवरीथिंग। तो सुरेश टू सम एक्सटेंट ओवरऑल अगर उसका गेम देखोगे वो कई हद तक अकेला भी पड़ गया था, वो वर्करेट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा था टिल द 90 मिनट्स, ही वाज गिविंग इट ऑल, अच्छा डिफेंडिंग कर रहा था, बट द थिंग इज दैट कि ऑन द गिवन डे थापा से वो नहीं कर पाया। वी नीडेड जिक्सन टू कंट्रोल द मिडफील्ड अलोंग साइड सुरेश, बट हम वो नहीं कर पाए, ठीक है सर तो भाई उसको बाल करवा दो, ठीक है उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है वो बंदा भाग रहा था, उसको टीम में लाया था अटैकिंग पासिस करने के लिए, बट बंदा कुछ कर ही नहीं पाया। उससे अच्छा तो ब्रेंडन फर्नांडिस था, बिकॉज जब ब्रेंडन फर्नांडिस कम ऑन आया सब ऑफ में, ठीक है सब करके आया, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, ऑब्वियसली उसने दो तीन वेस्ट फ्री किक ले लिए थे, बट थोड़ा तो लगा, थोड़ा तो इंपैक्ट डाला एज कम्पेयर टू सहल, ठीक है थोड़ा इंपैक्ट डाला। चांगटे एज ऑलवेज बंदा सब कुछ कर रहा था, बट ही वॉज लेफ्ट अलोन, बंदा कुछ नहीं कर पाया। चैत्री सर जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट हाफ में ही वॉज विदड्रॉइंग, लेकिन वो अंदर आ रहे थे लिंक वगैरह, लाइक ही वॉज प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड, ही वॉज बिल्डिंग सम चांसेस, क्रिएट करते थे लिंकअप, बट क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। सेकेंड हाफ में रहीम अली आया, रहीम अली सेंटर फॉरवर्ड था, सुनील जैदी सर एज अ मिडफील्डर थे, या तो अटैकिंग प्ले में करते जो कि अटैक कर रहे थे, बट तभी भी कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज एक अच्छा ब्रेंडन या किसने तो बॉल डाला, रहीम अली ने चांसेस मिस कर दिया। लाइक अगर आप स्ट्राइकर हो एटलीस्ट बॉल को तो हिट करो, लाइक वो छक्का जाएगा चलेगा, एटलीस्ट बॉल को तो हिट करो, आप तो बॉल को भी हिट नहीं कर पा रहे, लाइक ये समझो पैर है, लाइक वो होता है ना बॉल हवा मार के चले जाते हैं, तो वैसे हुआ था रहीम अली, लाइक इतना अच्छा चांस था, यू कैन हैव स्कोर, फिर बाद में रो रहा है, लाइक
तो पूरा मैच गंदा था भाई, सच बता रहा। पूरा मैच लाइक अगर बात करोगे 4 हफ्ते के, 4 हफ्ते का आपने ट्रेनिंग किया एंड देन यू पुट अप सच अ परफॉर्म, सच अ गंदा परफॉर्मेंस, तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना भाई। फिर तो भी आप 1 साल पूरा कैंप कर लो तो भी आप वैसे के वैसे ही खेलोगे, तो कुछ मतलब नहीं है। एक जो बंदा जो मुझे लगा एडमिन, जी हाँ एडमिन 10 मिनट के लिए आया, पर वो बंदे को देख के ना एक कुछ तो एक वो बोलते आग वाली वाइब आई। लाइक सच बता रहा हूँ, आई नो मैं ज्यादा चने के जान पे चढ़ा रहा हूँ, पर एक वो एक वो आग वाली वाइब आई थी उससे देख के। बिकॉज मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज एक थोड़े एक दो बार ही मैंने उसके बॉल पे देखा, बट ही वो सो स्पाइसी लग रहा था, ये फ्यूचर भाई, ये फ्यूचर है, तो ऐसा लग रहा था। बाकी कोच के बारे में मुझे जानना नहीं है, आई एम नॉट डूइंग इस पीआर, मैं इसका फैन बॉय नहीं हूँ, बट कैसा है कि कोच को बोल बोल के मैं थक गया हूँ, ठीक है, मैं थक गया हूँ एट दिस पॉइंट। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्लेम प्लेयर्स, बिकॉज सी जब भी इंडिया मैच हारती है इट्स द प्लेयर्स ब्लेम, इट्स द कोच ब्लेम एंड इट्स द फेडरेशन, तो यही सीन है। तो इसलिए मैं फेडरेशन है ही गधी, फेडरेशन तो है ही गधी, उनसे क्या ही कहना, कोच तो आपको पता ही गधा है। तो वी आर डन भाई, कतर का लास्ट मैच है एक वर्ष मैच की एरा के अंदर, उसके बाद न्यूज आ जाएगी वो सैक हो जाएगा एंड यार दैट्स इट भाई। बट एक बंदा एक बंदे के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दैट इज सुनील छेत्री सर। बंदे ने 19 साल दे दिए एंड ही गॉट, मतलब अगर जीतती, अगर इंडिया जीतती तो सब लोग पूरी टीम उसको ऐसे उड़ाते, वो उड़ाते करते ना वो करते, बट बंदा रो रहा था, ही वॉज थैंकिंग एवरीबडी। तो बस दैट्स इट भाई, नेक्स्ट मैच से आपको हमारा 40 साल का बुड्ढा नहीं देखने मिलेगा, आपको रहीम अली देखने मिलेंगे, मनवीर सिंह देखने मिलेंगे, यंग लॉन्डे देखने मिलेंगे। देखते हैं यंग लॉन्डे क्या करेंगे एज कम्पेयर टू 40 साल का बुड्ढा। जी हाँ, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा। या थैंक यू सो मच सुनील छेत्री सर, बाय बाय, टेक केयर।